Hello, medical aspirants. Myself is senior botany faculty, and I am going to give you some important tips regarding preparations in NEET examinations. जैसा कि जानते हो, NEET में botany एक काफ़ी important role play करता है selection में, और botany एक काफ़ी complicated subject भी है. Students, जैसा कि आप लोग जानते हो, botany में 180 स्कोर करना काफ़ी कठिन सा काम है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक नेम्स होते हैं और जेनेटिक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जिनको सॉल्व करना बिना किसी टीचर के हेल्प के काफ़ी मुश्किल सा काम होता है. यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को 5 से 6 मिनट लगता होगा, वो आप 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग 15 आवर्स में चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं. उसके लिए आपको या तो हम लोगों का जो ऑफलाइन जो कोर्स है इसको सब्सक्राइब करना होगा, या फिर ऑनलाइन पर भी आप लॉगिन करके और इस कोर्स को आप कर सकते हैं. आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं तो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक को समझना इतना आसान काम नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताएँ तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में यदि आप जाते हैं तो पीबीआर 322 वेक्टर का एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, जिसका कि एक्सप्लेनेशन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है. यदि आप पिछला नीट में का क्वेश्चन देखे होंगे तो उस नीट के क्वेश्चन में आपसे इको R5 का रेस्ट्रिक्शन साइट्स पूछा है कि वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है. वो काम यहाँ पर काफ़ी आसानी से हम करा देंगे. उसी तरीके से यदि आप प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में जाइए तो उसमें आपका जो ETS चेन है वो कंप्लीट बदला हुआ है, जिसको बिना किसी टीचर के हेल्प के समझना काफ़ी कठिन सा काम है. रेस्पिरेशन में भी जो ETS चेन है वो भी बिल्कुल बदला हुआ है, और 5 कम्प्लेक्सेस से कैसे ATP सिंथेसाइज होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से उसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी. खुद से करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन यहाँ हम लोग उसको काफ़ी आसानी से करा देते हैं. आपको यदि साइंटिफिक नेम याद करने में कठिनाई होती है तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी आसानी से उसको भी ट्रिक के थ्रू मेमोराइज करा देते हैं, याद करा देते हैं, जिसको कि एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन काफ़ी परेशानी नहीं होती है. जो आपको फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूला हैं उनके भी यहाँ पर हम ट्रिक सिखाते हैं, जो कि आपके लिए एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहेगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको काफ़ी डिफिकल्टी में डालता है वो है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में जैसे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस, हाइप्लॉन्टिक, हाइप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये NCERT में आपका ड्रॉ किया हुआ है, जिसको समझना काफ़ी कठिन होता है, जो कि आपको हम काफ़ी आसानी से कम शब्दों में समझा सकते हैं. कहाँ पर हाइप्लॉयड होगा, कहाँ पर डिप्लॉयड होगा, ये हम आपको बतला सकते हैं. काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और यदि इस तरीके से हम लोग चलें तो 1 by 1 एक एक टॉपिक को हम लोग करते चलेंगे, और काफ़ी आसानी से आप 180 मार्क्स बॉटनी के अंदर आप स्कोर कर सकते हैं. एक और आपको हम एग्जाम्पल बतला दें. जैसा कि आप जानते हैं, इकोलॉजी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से ऑन एवरेज आपको 12 to 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इकोलॉजी यदि आपका तैयार है तो 52 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट है. इकोलॉजी में कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिनको समझने में आपको कठिनाई होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बायोडाइवर्सिटी. अब इसका आपको हम ग्राफ आपको समझाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इन सब का ग्राफ आपको हम काफ़ी आसानी से समझा देंगे, और फिर इससे जो क्वेश्चंस आएंगे आप काफ़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं.